हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पेंसिल स्क्रिबलर में। मैं शिशिर चक्रवर्ती लेकर आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, हाउ टू ड्रॉ द लिप्स। द लिप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस, जैसे हम सभी को पता है। और एक डिसेंट लिप्स बनाने के लिए आपको कुछ अहम चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो मैंने जो है फ्रंट एंड साइड व्यूज दोनों को लेके बनाया है, जो आपको साथ ही साथ जो आपको मैंने टेक्स्ट दिया है वीडियो में उस पढ़ के भी आप बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस पा सकते हैं बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। लेट्स मूव टू द वीडियो। दोस्तों, ह्यूमन लिप्स जो है कई प्रकार के होते हैं, मूड्स एंड जेस्चर्स के होते हैं। तो वैरायटी ऑफ लिप्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम बेसिक लिप्स को लेके बात करेंगे। और फ्रंट फेसिंग लिप्स की बात करें तो आपको तीन लाइन ड्रॉ करना है, सेंट्रल लाइन, अपर लिप्स के लिए एक लाइन, लोअर लिप्स के लिए एक लाइन, और इन लाइंस को आर्क से जोड़ना है जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी जो अगला स्टेज हम करेंगे वो काफ़ी क्रूशियल स्टेज है लिप्स बनाने के प्रोसेस में, इसे हम शेडिंग कहते हैं। और ये शेडिंग जो है ये लाइट, जिस तरफ से लाइट सोर्स अवेलेबल है, जहाँ जो फोकस कर रहा है लिप्स के ऊपर, अभी फ्रंट साइज फ्रंट फेसिंग की बात कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कौन सा एरिया लाइटेड अप होगा, कौन सा एरिया डार्क में रहेगा, या कौन सा एरिया इन बिटवीन में, या मिड टोन्स बोल सकते हैं उसको, वैसे एरिया कौन सी जगह पे होंगे। हालांकि इस फिगर की बात है, ये यहाँ पे मैंने लाइट ऊपर लिया है जो फ्रंट फेसिंग लिप्स है। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे लिप्स में अगर आप थोड़ा जूम इन करेंगे, आपको ही पता है इसमें रिंकल्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको पहले रिंकल्स को मार्क कर लेना है बिफोर यू गो फॉर शेडिंग। क्योंकि शेडिंग से पहले अगर आपको पता चलेगा, क्योंकि जो रिंकल्स है वो अपना एक डार्क एरिया या मिड टोन एरिया क्रिएट करती है, जो कि अगर आप पहले से ईयर मार्क करेंगे लिप्स के एरिया में, अपर लोअर लिप्स में, तो वो बाद में जब आप उसको स्मूथ करेंगे, उसको आप उसके आसपास के एरिया को शेड करेंगे, दैट एड्स मोर वैल्यू टू योर स्केच। तो अभी हम सबसे पहले, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने पहले रिंकल्स को ईयर मार्क कर दिया है बोथ अपर एंड लोअर लिप्स में। और उसके बाद मैंने लाइट सोर्स के हिसाब से सबसे पहले ऑन अ ब्रॉड सेंस, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको मिड टोन, लाइट टोन और डार्क टोन के एरिया को अलग कर देना है थ्रू शेडिंग। और दोस्तों, हमेशा शेडिंग के लिए जो है आप पहले लाइटर शेड के पेंसिल को लीजिए, और उससे आप प्रेशर वेरिएशन से कहीं जहाँ ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, वहाँ पेंसिल को हल्का पकड़िए, और जहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए वहाँ पे आप पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर दीजिए उसमें, और ये लाइट पेंसिल से कीजिए। पहले उन एरियाज़ को मार्क करने के बाद आप फिर डार्क पेंसिल से आप उस चीज़ को और मतलब आप प्रॉपरली उसको निकाल सकते हैं, उभार सकते हैं। और एक बात दोहराना चाहूँगा, जो रिंकल्स है आपका, यही आपके लिप्स को एक रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक के व्यू की तरफ ले जाएगा। तो आपको जब आपने जब ये रिंकल्स मार्क कर लिया है, आप उनके पास में जब लाइट सोर्स ऊपर से आ रही है, जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में, तो उस रिंकल के आसपास में जो है मिड टोन या हल्का डार्क टोन का एक वैल्यू क्रिएट होता है, तो उसको भी आपको ईयर मार्क करना है, उसको भी आपको मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स एंड योर नीडेड इरेजर, और आप एक टॉम्बो का जो मोनो इरेजर है उस इसकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर एरिया को ज़्यादा फोकस करके, उन रिंकल्स के आसपास के एरिया पे आपको थोड़ा ज़्यादा काम करने से आपके स्केच का जो क्वालिटी है ज़्यादा इम्प्रूव होगी। स्टेप फोर में हम देखेंगे दोस्तों कि जो लिप्स है, कोई पर्टिकुलर आपका स्केच है वो, उसको अगर 2D या 3D का लुक देना है, उसको पेपर से उभारना है, तो आपको उसके आसपास के एरिया पे काम करना होता है। सो सिमिलरली इस लिप्स को अगर आपको वैसा लुक देना है, तो आपके अपर लिप्स के ऊपर वाला एरिया और लोअर लिप्स के नीचे जो शेडो क्रिएट होती है उस पर आपको पेंसिल से काम करना है, जैसा कि आप वीडियो देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो फ्रंट फेसिंग लिप्स है वो किस तरह से हमारे सामने पेपर पे दिख रहा है, तो सेम यही रूल्स फॉलो करके अभी हम लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड बोथ लिप्स बनाएंगे।
और एक बात और है दोस्तों, जो रिंकल्स हम बनाएंगे किसी भी लिप्स में, आपको वो स्ट्रेट नहीं खींचना है, उस रिंकल को आपको थोड़ा सा कर्व बनाना है, क्योंकि हमारे जो लिप्स हैं अपर एंड लोअर लिप्स, उसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो बल्ज्ड है, वो एकदम फ्लैट नहीं है। तो आप उस पर्टिकुलर जो एरिया है लिप्स का, उसके टेरेन के हिसाब से आपको जो आपका रिंकल है उसको आप बल्ज रखना है, तो वो आप इफेक्ट ला सकते हैं अगर आप पेंसिल से कर्व रिंकल्स ड्रॉ करेंगे, खासकर सेंट्रल पार्ट में और साइड के थोड़े से पार्ट में। तो उससे क्या है, जो लिप्स आपका जो बनेगा पेपर में वो थोड़ा सा पेपर से उभर के आएगा, ये इफेक्ट रहता है। जहाँ तक कि लेफ्ट एंड राइट साइड फेसिंग लिप्स की बात है, द प्रिंसिपल्स जो हमने रूल्स फॉलो किए हैं अभी तक, सबसे पहले जो आउटलाइंस बनाने का तरीका हमने बताया, तीनों लाइन ड्रॉ करके आर्क से जुड़ने के बाद हम जब शेडिंग में आएंगे तो लाइट सोर्स को आप डिसाइड कीजिए, आप किस तरह से लाइट सोर्स को देना चाहते हैं। ऑब्वियसली जहाँ से आप देख रहे हैं लिप्स को उसी तरफ से होता है, तो इन मोस्ट केसेस तो आपको उस हिसाब से आपको शेडिंग करना है, आपको जो लाइट एरिया है उसको लाइट शेड रखना है, लाइट पेंसिल से करना है, और जो डार्क एरिया को डार्क पेंसिल से उसको हाईलाइट करना है, और उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं थ्रू ब्रश और टिश्यू पेपर। सिमिलर प्रोसेस आप कीजिए और रिंकल्स के लास्ट स्टेज में, रिंकल्स के जो आसपास के एरिया है उस पर आप काम कीजिए, आपके जो लिप्स का जो स्केच है वो भी काफ़ी ही अच्छा इस तरह से निकल कर आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको इस ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले जो कंटेंट्स हैं उसके लिए आप अपडेटेड रहिएगा इन कमिंग टाइम्स। एक महत्वपूर्ण बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों, कि जो भी आप वीडियो से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप ज़रूर घर में प्रैक्टिस कीजिए, विथ रेफरेंस कीजिए या कैमरा से पिक खींच के कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल स्केचिंग के इस फील्ड में, आप आगे बढ़ते जाएंगे, एंड यू विल बी अमेज्ड कि आप कितने ही बढ़िया आउटकम्स और पेंसिल स्केचिंग से जो फीचर्स बनते हैं आप पेपर पर उतार पा रहे हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं शिशिर चक्रवर्ती इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, पीस।